तो सा गा और पा तीनों बटन हमें पता चल गए। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी गाने को किसी भी बटन से शुरू करें और उसका सा कहां पर है या उसका स्केल कहां पर है ये बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। कौन से स्केल पर गाना? ई मेजर। ठीक, गा शुद्ध मिल गया तो हमें पता चल गया ये ई मेजर का गाना है। तो ऐसे हमने स्केल भी ढूंढ लिया। तो ये हमारा हो गया ई मेजर स्केल, ये हो गया हमारा सा, और ये हो गया हमारा जहां से गाना उठा था धा। धानी सा गारे। दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जहां से गाना शुरू होता है, जिस बटन से गाना शुरू होता है, उसी को वो सा समझ लेते हैं या उसी स्वर को, उसी नोट को वो स्केल मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। गाना सिर्फ और सिर्फ सा से शुरू होता है ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि गाना जो है वो सा के अलावा किसी दूसरे स्वर से भी शुरू हो सकता है। जैसे कि गाना गा से भी शुरू हो सकता है, पा से भी शुरू हो सकता है, धा से भी शुरू हो सकता है। तो इसीलिए ये बात गलत साबित होती है कि गाना जो है वो सिर्फ सा से शुरू होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई गाना मैं पहली काली से शुरू कर रहा हूँ, यानी कि सी शार्प, ये हमारा सी शार्प होता है। तो मान लीजिए अगर मैं कोई गाना यहाँ सी शार्प से शुरू कर रहा हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि यही हमारा सा होगा। गाना भले ही हमारा इस बटन से शुरू हो रहा हो, सी शार्प से शुरू हो रहा हो, पहली काली से शुरू हो रहा हो, मगर ये जरूरी नहीं है कि ये ही हमारा सा होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। या यही हमारा स्केल हो जाएगा, यानी कि सी शार्प हमारा स्केल हो जाएगा, ये भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये जो आप सारे गामा पाधानी लिखा हुआ देख रहे हैं इसको आप भूल जाइए, जब तक मैं ये वीडियो समझा रहा हूँ ये आप भूल जाएगी, ये सारे गामा पाधानी है। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं आपको पहली काली से अगर समझाता हूँ तो मैं इसको सा बना के समझा रहा हूँ। तो अब ये बिल्कुल भूल जाइए, ये जो सारे गामा पाधानी लिखा है इसको बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। सिर्फ ये जो सी डी ई एफ जी लिखा है ये बिल्कुल सही है, और ऊपर सी शार्प डी शार्प एफ शार्प, ये इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को समझिए। ये जो वेस्टर्न नोट्स होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनको छिड़कानी नहीं कर सकते, ये जो हैं वो वही रहेंगे। मगर ये जो सारे गामा पाधानी लिखा हुआ है ये कभी फिक्स नहीं होते, क्योंकि हर गाने का जो सा है वो अलग होता है, क्योंकि कोई गाना यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई यहाँ से शुरू होता 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 है, तो हर गाने का अलग अलग सा होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो हर गाने की अलग अलग होती है। तो ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी आज ये वीडियो आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल के रख देगा, और आज इस वीडियो के जरिए आप ये सीख जाएंगे कि किसी भी गाने का सा पकड़ते कैसे हैं और कैसे किसी भी गाने का स्केल ढूंढा जाता है। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं इस वीडियो के जरिए कि आखिरकार सा की कहानी या स्केल की कहानी है क्या, इसको सीखने का समझने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो चलिए सीखते हैं इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में गानों के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल सीखो सरल हारमोनियम। तो दोस्तों सबसे पहले हम मध्य सप्तक का कोई भी एक बटन पकड़ लेंगे, ठीक है, कोई भी एक सुर मध्य सप्तक का हम ले लेंगे। अभी ये जो सारे गामा पाधानी लिखा है इसको आप बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है, समझ लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि जो गाना हम प्ले करने जा रहे हैं उसका सा कौन सा है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये तो मैं जो गाना आपको सिखाता था उसका सा मानकर सिखाता था, मगर अभी हमें नहीं पता कि हम जो गाना अभी प्ले करने जा रहे हैं उसका सा कौन सा है। तो इसलिए पहला काम आप ये करेंगे कि मध्य सप्तक का कोई भी एक बटन पकड़ लीजिए, या कहें कि कोई भी एक स्केल पकड़ लीजिए जिस बटन से आप सारे गामा पाधानी बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं और साथ में गा भी लेते हैं। अगर गा नहीं भी पाते हैं तो जिस बटन से आप सबसे अच्छे से सारे गामा पाधानी प्ले कर लेते हैं वो वाला बटन आप सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे पहली काली पकड़ लीजिए, दूसरी पकड़ लीजिए, तीसरी, चौथी, जो आप चाहें पकड़ लीजिए, चाहे अगर पियानो के हिसाब से समझें तो सी शार्प पकड़ लीजिए, डी शार्प पकड़ लीजिए, एफ शार्प पकड़ लीजिए, या सी पकड़ लीजिए, डी पकड़ लीजिए, ई पकड़ लीजिए, जो भी आप पकड़ना चाहें वो पकड़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिखाने के लिए पकड़ रहा हूँ पहली काली, यानी कि सी शार्प, ये सी शार्प होता है, ये फिक्स है, ठीक है। तो मैंने सी शार्प ले लिया आपको सिखाने के लिए पहली काली, क्योंकि इस बटन से जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बच्चे हुए बिगनर्स हुए वो इस बटन से यानी कि सी शार्प से बहुत अच्छे से गानों को या किसी भी चीज़ को, बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए मैंने पकड़ लिया सी शार्प पहली काली, और ये हमारा सा नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको समझा दिया कि ये अभी हमारा सा नहीं है, अभी हमें नहीं पता कि जो गाना हम अभी बजाएंगे उसका सा कौन सा है, ठीक। तो ये सा नहीं है, इसको सा बिल्कुल दिमाग से हटा देना कि ये सा है, ठीक, क्योंकि इसी चीज़ को हम सीख रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि सा क्या है, अभी हम जब गाना प्ले करेंगे तो ढूंढेंगे कि सा कैसे ढूंढा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है सा को। ये बटन हमने इसलिए लिया कि बस यहाँ से हमें गाने की शुरुआत करनी है, जो गाना शुरू होता है वो यहाँ से शुरू करना है, बस देखना ये है, पकड़ना ये है कि आखिरकार इस गाने का स्केल कैसे मिलता है हमें और सा कैसे मिलता है हमें, ठीक। हो सकता है सा यही हो या हो सकता है सा कोई और बटन हो, ठीक है। तो हमें अब ढूंढना है, तो समझने के लिए हमें चाहिए एक गाना। तो आप अपना कोई भी फेवरेट गाना ले लीजिए, मैं भी अपना कोई एक फेवरेट गाना ले लेता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो मैंने गाना ले लिया है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत ही प्यारा गाना है, आप सबने सुना होगा अच्छे से, हो सकता है आपका भी फेवरेट हो।
तो इस गाने के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। तो पहला गाना हमने लिया है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो अब इस गाने के थ्रू हम ढूंढेंगे कि सा को कैसे पकड़ा जाता है या स्केल कैसे पता लगता है कि इस गाने का ये स्केल है। चलिए शुरू करते हैं। पहली काली हमने चुनी है, यहां से गाना हम शुरू करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि सा क्या है, हमें नहीं पता कि स्केल क्या है, बस गाना यहां से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए तो अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें बजाना है गाने का स्टार्टिंग पॉइंट, या कह सकते हैं गाने की स्टार्टिंग की जो लाइन है उनको प्ले करना है। और मजे की बात यह है, कमाल जो होगा वो ये है कि हमारी लाइन जहां एंड होगी यानी कि जिस नोट पर जिस बटन पर हम रुकेंगे वही हमारा सा निकल जाएगा। देखिए मजे की बात। चलिए अब इस मजेदार एक्सपेरिमेंट को करते हैं। गाना शुरू करा पहली काली से यानी कि सी शार्प से। चलिए तो शुरू करते हैं, शुरू पहली काली से यानी कि सी शार्प से। ध्यान दिया आपने कहां पर रुका मैं, तीसरी काली पर। ये मां नहीं है, मैंने पहले कह दिया कि जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए, ठीक, कुछ लिखा नहीं है, समझ लीजिए कुछ भी लिखा नहीं है। तो रुके हम कहां पर, तीसरी काली पर, पहली काली दूसरी काली तीसरी काली। तो गाने की लाइन जो खत्म हुई जिस बटन पर वो बटन है तीसरी काली या फिर कहें एफ शार्प, इस एफ शार्प पर आकर खत्म हुई। और यही एफ शार्प हमारा क्या हो गया, यही हमारा स्केल भी हो गया, यही हमारा सा भी हो गया, ठीक। तो एफ शार्प ही हमारा स्केल हुआ और एफ शार्प ही हमारा सा हो गया, ठीक है। अब देखिए जहां से गाना हमने उठाया था यानी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था सी शार्प, ठीक, क्या था सी शार्प। और जो हमारा एंडिंग पॉइंट था, जो हमारा एंडिंग पॉइंट था यानी कि जहां लाइन खत्म हुई थी जिस बटन पर लाइन खत्म हुई थी वो हमारा एंडिंग जो पॉइंट था वो क्या था, वो था हमारा एफ शार्प, ठीक है। तो जहां से गाना उठाया हमने वो था सी शार्प, मगर ये हमारा सा नहीं था। सा हमारा कौन सा था, जहां हम रुके जो लाइन हमारी खत्म हुई वो था हमारा एंडिंग पॉइंट और वो एंडिंग पॉइंट था एफ शार्प। तो इसलिए ये हमारा सा माना जाएगा, जब भी लाइन का जो एंड होता है जिस बटन पर वही हमारा सा होता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा सा, ठीक, ये जो एफ शार्प है ये हमारा हो गया सा और यही हमारा स्केल भी हो गया, यानी कि एफ शार्प हमारा स्केल भी है, ठीक है। एफ शार्प हमारा जो एंडिंग पॉइंट था एफ शार्प था वो हमारा सा भी है, ठीक, और वही हमारा स्केल भी है यानी कि एफ शार्प हमारा स्केल भी है। अब माइनर है या मेजर है इसके लिए हम आगे समझेंगे, मगर ये हमें पता चल गया कि स्केल जो है वो एफ शार्प है, ठीक, और दूसरी चीज कि यही हमारा सा भी है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब देखिए कितनी सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। पहली चीज कि जो तीसरी काली है ये हमारा सा है, इस गाने का जो गाना हमने अभी बजाया इस गाने का ये हमारा सा है यानी कि एफ शार्प हमारा सा है। और दूसरी चीज कि ये एफ शार्प जो है यही हमारा स्केल भी है, ठीक है, माइनर है या मेजर है ये अभी हम आगे जानेंगे, मगर ये हमें पता चल गया कि एफ शार्प हमारा स्केल है, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक। और दूसरी चीज कि जहां से गाना हमने उठाया था, जहां से स्टार्ट किया था इस बटन से, पहली काली से हमने उठाया था ना गाना, ये हमारा क्या है ये भी पता चल गया। देखिए ये अगर सा है तो ये क्या है नी, ये कोमल नी, ये क्या है ये हमारा धा, और ये क्या है ये हमारा पा, पा धा, ठीक, फिर कोमल नी, फिर नी और सा, क्लियर हो गया। तो पा से हमने गाना शुरू किया था, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से हमने गाना उठाया था वो पा था, सा नहीं था, ठीक। सा कौन सा था, जहां पर हमारे गाने की लाइन जो है वो एंड हुई वो हमारा सा था, तीसरी काली एफ शार्प। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा सा है और इसी के अकॉर्डिंग जहां से हमने गाना उठाया था ये हमारा पा है। जब सा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ आप बता ही दोगे, आगे के भी बता दोगे पीछे के भी बता दोगे, ठीक। तो ये हमारा सा और ये हमारा पा, तो पा से हमने गाना उठाया और ये हमारा सा पॉइंट। अब इसी सा की मदद से हमें ये भी पता चल जाएगा कि गाना जो है हमारा वो मेजर स्केल में है या फिर माइनर स्केल में है। वैसे तो कॉर्ड बजाते ही पता चल रहा है कि कौन से स्केल में ये गाना है, मेजर माइनर, मगर जो लोग थोड़े कच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए आपको मैं अक्सर अपने बेसिक वीडियो में ये सिखाता आ रहा हूँ कि मेजर और माइनर में अंतर क्या होता है, यहाँ तक कि मैं जो ट्यूटोरियल देता हूँ आपको गानों का उसमें भी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझाता आता हूँ कि मेजर और माइनर में फ़र्क क्या होता है। देखिए किसी भी गाने में अगर गा शुद्ध आता है तो इसका मतलब वो मेजर स्केल में है,
और अगर किसी भी गाने में गा कोमल आता है तो इसका मतलब वो स्केल माइनर का है। तो बहुत ही छोटी सी बात है कि गा शुद्ध या गा कोमल, बस ये दोनों गा में से कौन सा गा है ये हमें पता होना चाहिए और हमें पता चल जाएगा कि स्केल मेजर है या माइनर है। क्योंकि देखिए पा तो सेम कॉमन है, ठीक है, सा हो गया और पा हो गया, ये तो हमें पता चल गया। बस हमें ये पता करना है कि गा शुद्ध है या गा कोमल है। अगर गा शुद्ध हुआ तो ये स्केल प्ले होगा, यह स्केल एफ शार्प मेजर, और अगर गा कोमल आ रहा है तो कोमल का लगा के हम कॉर्ड को प्ले करेंगे एफ शार्प माइनर के। ठीक, तो एफ शार्प मेजर या फिर एफ शार्प माइनर। अब ये पता लगाने के लिए सिर्फ हमें एक ही चीज पता लगानी है कि गा कौन सा है। ठीक, और ये कैसे पता चलेगा, अब देखिए गाने की लाइन को मैं फिर से प्ले कर रहा हूं और आप नजर मारिए कि गा कौन सा इस्तेमाल हुआ। ठीक, नजर मारिएगा, हमने गा कोमल इस्तेमाल किया। ठीक, इसलिए मैंने कॉर्ड भी लगा दिया, सा कोमल गा और पा सगा पा एप शार्प माइनर। ठीक, ध्यान दिया, कोमल गा इस्तेमाल हुआ था, बहुत प्यार कर, ये देखिए कर जैसे हमने बजाया तो कोमल गा आ गया, ये सा था, ये रे और ये कोमल गा। ठीक, तो शुद्ध गा का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोमल गा का इस्तेमाल हुआ, इससे हमारा क्लियर हो गया स्केल एफ शार्प माइनर। ठीक, तो मेजर और माइनर पता लगाना तो बहुत ही छोटी सी बात है, बस गा हमें पता चल जाए कि कौन सा प्ले हुआ और उससे हमें समझ में आ जाता है स्केल मेजर है या माइनर है। तो अब आपकी ये भी चीज क्लियर हो गई कि एफ शार्प माइनर में ये गाना है। ठीक, यानी कि गा कोमल आया है तो आगे वाले जो स्वर हैं उसमें भी आपको कोमल स्वर देखने को मिल जाएंगे। अब हमें इस गाने का जो गा था वो भी पता चल गया, यानी कि ए, ए दिख रहा होगा आपको, ए जो गाने का गा था यानी कि कोमल गा। ठीक, ये हमें पता चल गया ए, तो सा हो गया एफ शार्प, कोमल गा हो गया ए, अब बचा पा, तो पा कौन सा था, पा था ये। ठीक, ये पा था, ये क्या है, ये है सी शार्प। ठीक, तार सप्तक में पहुंच गया मगर है क्या, सी शार्प, तो एफ शार्प ए सी शार्प, सी शार्प क्या हो गया, पा, सा गा पा। ठीक, तो पा क्या हो गया, सी शार्प, ये हो गया हमारा पा। ठीक है, तो सा गा और पा तीनों बटन हमें पता चल गए। ठीक, तो स्केल हो गया हमारा एफ शार्प माइनर, एफ शार्प ए और सी शार्प, ये होता है एफ शार्प माइनर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि जरूरी नहीं कि जहां से गाने की हमने शुरुआत करी थी ये हमारा सा हो। ठीक, गाने का जो सा होता है वो हमेशा कहाँ होता है, वो गाने की जो एंडिंग होती है उस बटन पर हमेशा गाने का सा होता है। और हाँ, एक और खास बात कि ये भी होता है कि जहां से गाना हमने शुरू किया है वहीं पर कभी कभी कोई कोई गाना वहीं पर एंड भी होता है, तो यानी कि वही हमारा सा भी बन जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जिस बटन पर एंड होगा वही हमारा सा होगा, चाहे वो जहां से हमने शुरुआत करी हो वही हो जाए और या फिर दूसरा कोई बटन हो या दूसरा कोई स्वर हो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम दूसरे गाने के साथ देखेंगे। देखिए, सिर्फ अभी हमने एक ही गाना देखा था, अब दूसरे गानों के उदाहरण के साथ भी देखते हैं। चलिए, वही चीज हमें करनी है, पहली काली से हमें गाने को शुरू करना है यानी कि सी शार्प से, और हमें नहीं पता कि गाने का सा कौन सा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि गाने का स्केल कौन सा है, बस हम सी शार्प से पहली काली से गाने को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और प्यारा सा गाना लेते हैं, गाना है पल पल दिल के पास, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, किशोर दा ने गाया है इसको। चलिए देखते हैं इसको, वहीं से शुरू पहली काली से। तो क्या करना है, हमें गाने का स्टार्टिंग पॉइंट बजाना है, यानी कि गाने की लाइन जब खत्म होगी तो किस बटन पर खत्म होगी, बस उसी बटन को पकड़ना, क्योंकि वही बटन हमारा सा बन जाएगा। अब देखते हैं वो बटन कोई दूसरा है या फिर यही का यही है। ठीक है, चलिए, Thank you.
बटन, यानी कि हमारा गाने की जो लाइन थी वो कहाँ पर आकर खत्म हुई है, ई नोट पर, यानी कि यही हमारा सा बन गया। ठीक है, यही हमारा सा बन गया और यही हमारा स्केल है। कौन सा स्केल? ई स्केल। ठीक है, मेजर है या माइनर, जैसे कि मैंने बताया अभी पता कर लेंगे हम, मगर ये हमारा ई स्केल है और यही हमारा सा है। ठीक, अब जब ये सा है और गाना हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, पहली काली से, तो ये सा है तो ये क्या होगा, देखिए ये सा है तो ये हो गया हमारा नी, ये हो गया हमारा कोमल नी और ये हो गया हमारा धा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा धा, तो गाना कहाँ से शुरू हुआ, धा से, तो धा नी सा गा रे रे, धा नी सा गा रे रे। ठीक, पल पल दिल के पार। अब जब हमारा ये सा है तो ये भी क्लियर हो गया कि इसमें गा कौन सा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमने क्या बजाया, गा रे रे, गा कौन सा, शुद्ध गा लगाया है, ये सा है तो ये रे है और ये शुद्ध गा, तो हमारा शुद्ध गा इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्केल है वो मेजर है। ठीक, शुद्ध गा मतलब मेजर स्केल, तो ये हमारा गा पकड़ में आ गया, इस सा के अकॉर्डिंग ये हमारा शुद्ध गा है और पा तो कॉमन ही होता है। ठीक, पा कौन सा है, पा है ये, इस सा के अकॉर्डिंग पा है ये, तो सा गा पा। ठीक, ये हो गया सागा पा, कौन से स्केल पर गाना, ई मेजर। ठीक, गा शुद्ध मिल गया तो हमें पता चल गया ये ई मेजर का गाना है, तो ऐसे हमने स्केल भी ढूंढ लिया। तो ये हमारा हो गया ई मेजर स्केल, ये हो गया हमारा सा और ये हो गया हमारा जहां से गाना उठा था, हा। ठीक, तो देखा आपने, पहला गाना जब हमने बजाया तो शुरू वहीं से किया, पहली काली से, सी शार्प से, मगर उसका सा कौन सा निकला, तीसरी काली सा निकला, एफ शार्प। ठीक, अब जब दूसरा गाना हमने प्ले किया पल पल दिल के पास, तो शुरू हमने वहीं से किया, सी शार्प पहली काली से ही, मगर इसका सा क्या निकला, ये ई नोट। ठीक है, तो ये गलतफहमी बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। अब आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस बटन से हम शुरू करें वही हमारा सा हो या वही हमारा स्केल हो, सा हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कि दूसरा स्वर भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि जिस बटन से हम शुरू कर रहे हैं वही हमारा सा भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसका भी उदाहरण हम देखते हैं, ऐसे गाने लेते हैं जिसमें हम यहीं से शुरू करेंगे, सी शार्प से ही, पहली काली से ही, और लाइन भी एंड यहीं पर होगी, यानी कि वही हमारा सा भी हो जाता है, ऐसे भी गाने हैं, उन गानों के उदाहरण के साथ भी हम देखेंगे। चलिए अब भजन के माध्यम से देखते हैं, शुरू कर रहे हैं हम पहली काली से ही। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही रखेंगे। अब देखिए, अब हम मैंने एक ऐसा भजन पकड़ा है जो जहां से शुरू हो रहा है वही हमारा सा भी होगा। अब देखिए ये कैसे होगा, देखा आपने कहां पर आके रुके, मैं जहां से मैंने शुरू किया था वहीं आके रुक गया, इसका मतलब यही हमारा सा है। ठीक है, तो ऐसे गाने भी, ऐसे भजन भी आपको देखने को मिलेंगे कि जहां से हम शुरुआत करते हैं वहीं आके गाना रुकता है, इसका मतलब यही हमारा सा है और यही हमारा स्केल है, यानी कि स्केल हमारा सी शार्प ही होगा। ठीक, मेजर है ये माइनर, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे समझेंगे, मगर स्केल हमारा सी शार्प ही होगा और यही हमारा सा होगा। ठीक, और आपने देखा कि भजन में शुद्ध गा का प्रयोग है, तो इसका मतलब क्या है, सी शार्प मेजर हो जाएगा, सा और शुद्ध गा और पा, सी शार्प मेजर। ठीक, ये स्केल सी शार्प मेजर, क्योंकि गा जो है वो शुद्ध इस्तेमाल हुआ है। देखिए, कौन कहते, देखा कौन कहते, यानी कि गा या शुद्ध, इससे हम समझ जाएंगे कि ये हो गया हमारा सी शार्प मेजर। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम यशोदा के जैसे बुलाते नहीं। ठीक है, इसी तरीके का एक और भजन मुझे ध्यान में आ रहा है कि जहां से हम उठाते हैं गाने को वहीं पर आकर रुकता है, यानी कि वही बटन हमारा सा हो जाता है जहां से हम गाने को उठाते हैं।
वो भजन है सजाओ घर को गुलशन सा मेरे श्री रामा है। तो इस भजन में भी जहाँ से गाने को हम उठाएंगे वहीं पर आकर रुकेगा, चाहे हम यहाँ से उठा लें पहली काली से तो यहीं आकर रुकेगा, चाहे हम दूसरी से उठाएं तो यहीं पर आकर रुकेगा, चाहे हम तीसरी से उठाएं, कहने का मतलब है कि हम जिस बटन से भी गाने को उठाएंगे वहीं पर आकर रुकेगा। ठीक, यानी कि वही पॉइंट है स्टार्टिंग का भी और वही पॉइंट है सा का भी। ठीक, तो देखा आपने यहीं से मैंने शुरू किया था और यहीं पर आकर एंड हुआ, इसका मतलब जहां से हमने गाने को उठाया वही हमारा सा हो गया। तो ऐसा भी होता है, तो बहुत ही शानदार और 100% श्योरिटी वाली जो ये ट्रिक है इससे आप ये बिल्कुल समझ जाएंगे कि गाने का जो सा है वो कहाँ है या गाने का जो स्केल है वो कौन सा स्केल है, क्या स्केल है। और ये जरूरी नहीं कि गाने को आप सिर्फ पहली काली से ही उठा के देखें, सी शार्प से ही उठा के देखें, कहीं से भी, जहाँ से मैंने शुरू में ही कहा था कि आप कोई भी बटन सिलेक्ट कर लीजिए, मैंने कंडीशन नहीं रखी थी कि आपको यहीं से उठाना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप कोई भी बटन ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये मध्य सप्तक के स्केल में आप कोई भी बटन ले लो। और मध्य सप्तक भी मैंने इसलिए कहा था कि इसमें कंफर्टेबल रहता है आदमी, आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, मगर मध्य सप्तक मैंने थोड़ा इसलिए बताया था कि जो बिगनर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत आसान स्केल होता है ये। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी गाने को किसी भी बटन से शुरू करें और उसका सा कहाँ पर है या उसका स्केल कहाँ पर है ये बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं। और हाँ, एक और कमाल की बात कि आप गाने का जो ओरिजिनल स्केल है कि जहाँ से सिंगर ने गाने को उठाया है, जिस बटन से, जिस सुर से सिंगर ने गाने को ओरिजिनली उठाया है, वो बटन भी आप आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल ओरिजिनल स्केल ही चाहिए कि सिंगर ने कहाँ से इस गाने को शुरू किया है, तो वो भी आप बहुत ही आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मगर इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये जो ओरिजिनल सुर पकड़ना है बिल्कुल जहाँ से सिंगर ने गाया है ये कैसे पकड़ते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।